स्वच्छता लीग पार्टी ने अंतर्गत 17 सितंबर की सुबह 11 बजे नगर परिषद डेलॉजी के स्वचरण से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डेलॉजी के विभिन्न महिला सम्मान छात्रों व शिक्षकों ने राष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनीष जगन चंबा ने झंडी रवाना किया। संबंधित वही उन्होंने स्वयं भी अंजाम अभियान में शामिल होकर सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। प्रत्येक डेलॉजी के मुख्य गांधी चौक से आरंभ की गई ये रैली सुभाष चौक से होते हुए पुनः गांधी चौक में आकर समाप्त हुई। रैली के साथ साथ विद्यार्थियों ने रास्ते में सफाई भी की और लोगों को स्लोगन के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं इस लोगों को डेलॉजी में स्वच्छता रखने, गीला और कूड़ा कचरा अलग डस्टबिन में डालने, पॉलिथीन का भी संग्रहण अलग करने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान रैली में भाग ले रहे विद्यार्थियों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी प्रबंध किया गया था। उपमंडलाधिकारी नागरिक जगन ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से भी जोड़ा गया है। उन्होंने रैली में भाग लेने के लिए डेलॉजी के विभिन्न स्कूलों और उनके अध्यापकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम इसको जोड़ा गया है। MC डेलॉजी के EO मैडम राखी कौशल जी यहाँ पे उपस्थित डेलॉजी पब्लिक स्कूल के छात्र और इनके साथ आए इनके टीचर्स, गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्र, उनके प्रिंसिपल यहाँ पे, सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल के टीचर्स और उनके छात्र, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र और उनके टीचर्स आज सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और एक ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता जो है सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, ये करने का हमारा जो काम है वो करके ही होगा। तो ये और इसी स्टेज पे अगर इसी उम्र में बच्चों को अगर हम ये संदेश देते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सशक्त संदेश जो है उनको मिलेगा। और साथ में NGO रमनिया से ऋषभ भाई हमारे साथ हैं, हमारे माननीय काउंसलर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को आज के स्वच्छता लीग की बहुत बहुत बधाई। और अब हम इसको फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं और प्रेस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये बात जो है ये सभी तक पहुँचे। धन्यवाद सर। एक सवाल आपसे कि हम साल में कई बार स्वच्छता अभियान चलाते हैं लेकिन अभी भी शहर में ऐसे कई स्पॉट्स हैं, कई नाले हैं जो पिछले 25-25 साल से जिनकी सफाई नहीं हुई है, तो उनके बारे में क्यों नहीं हो रही है सफाई? देखिए, जो हम स्वच्छता लीग की बात करते हैं या स्वच्छता के ऊपर जो भी ये इस तरह के कार्यक्रम की हम बात करते हैं, वो हम एक एटीट्यूड चेंज करने की बात करते हैं, एक मानसिकता को बदलने की बात करते हैं। तो MC डेलॉजी में पिछले 2 वर्षों से जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कथलग में एक हमने प्लांट डेवलप किया है, उसके लिए कुछ मशीनरी आ गई है, कुछ मशीनरी आने जा रही है। तो हमारा ये मकसद है कि अगर हम कलेक्शन करेंगे भी तो उसको प्रोसेस कैसे करेंगे? तो जब तक कि हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होगा तब तक हम, मुझे लगता है जो लीगेसी वेस्ट की आप बात कर रहे हो बिल्कुल बात जायज़ है आपकी, लेकिन जब तक हम प्लांट को स्थापित नहीं करेंगे तब तक लीगेसी वेस्ट को इकट्ठा करने का कोई मकसद नहीं है। तो हमारा पहला मकसद है कि हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है जिसके ऊपर 70-80 लाख का जो है वो मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट को उसका आवेदन गया हुआ है, और जैसी वो मशीनरी आती है और वो हम उसको स्थापित करते हैं तो हम बनी खेत को भी साथ जोड़ना चाहेंगे, लोग को भी साथ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उस प्लांट के लिए जो वेस्ट जनरेशन है वो हमें बड़े स्तर की चाहिए। और एक हमारे साथ जो हिलदारी है वो कंटिन्यू कर रही है, हालांकि उनका समय ख़त्म हो गया था लेकिन उनसे आग्रह किया है MC ने, तो वो अभी अपना जो है योगदान हमें आने वाले वर्षों तक देती रही। तो हमारा मकसद है कि हमने ज़ीरो वेस्ट जनरेट करना है और होटलियर से जो है जो बल्क वेस्ट जनरेट को लेकर आज 17 सितंबर को नेशनल लेवल पे स्वच्छता लीग डे मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सारे स्कूलों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे सारे पार्षद हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, प्रेस के बंधु हैं। SM साहब अभी थोड़ी देर में आके फ्लैग ऑफ करेंगे और ये जो आज की रैली है हम GPO से स्टार्ट करेंगे और GPO पे ही आके ख़त्म करेंगे। बीच में बच्चों को हम रिफ्रेशमेंट भी देंगे और रास्ते में जो भी हमें कचरा दिखेगा उसकी कलेक्शन करेंगे और आगे से हम आज ये प्रतिज्ञा भी करेंगे कि अपने शहर को हम साफ सुथरा रखेंगे। आपका फैसला के लिए डेलॉजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।